हेलो दोस्तों, आप सबका आपके YouTube चैनल सेफ्टी लवर्स में स्वागत है। आप सब ने ग्राइंडिंग मशीन देखा होगा, तो ग्राइंडिंग मशीन का यूज़ कहाँ पे आता है? स्मूथनेस प्रोवाइड करने में और मटेरियल रिमूव करने में। तो बात करते हैं इसके पार्ट्स की। तो ये है ग्राइंडिंग व्हील। ग्राइंडिंग व्हील के ऊपर लगा होता है ग्राइंडिंग व्हील गार्ड। ये जो हैंडल है इसको बोलेंगे फोर हैंडल, ये जो हैंडल है इसको बोलेंगे रेयर हैंडल। और जो वायर और रेयर हैंडल के बीच में आपको ये जो दिख रहा है इसको ग्लैंड बोलेंगे। रेयर हैंडल के यहीं पे आपका ट्रिगर स्विच होता है और उसी के पास में उसका स्विच लॉक होता है। ये इसका बॉडी है। बात करते हैं इसको यूज़ करने से पहले आप क्या क्या चेक करेंगे। तो आपका जो फोर हैंडल है ये डैमेज नहीं होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। जो व्हील गार्ड है ये 3/4 एरिया कवर होना चाहिए। और विदाउट व्हील गार्ड के कोई भी ग्राइंडिंग मशीन यूज़ नहीं करेंगे। यदि आप इसको यूज़ करते हैं तो आपको इंजरी हो सकता है, आपका जो व्हील है ये टूट के आपको इंजरी पहुंचा सकता है। और ये जो व्हील है ग्राइंडिंग व्हील, इसके पर कोई क्रैक नहीं होना चाहिए, डैमेज नहीं होना चाहिए और डिजायर्ड टॉर्क पे फास्टन्ड होना चाहिए। जो रेयर हैंडल है ये विदाउट डैमेज होना चाहिए। कोर्ड स्ट्रेंथ रिलीवर जिसको अपन ग्लैंड बोल रहे हैं ये होनी चाहिए। ट्रिगर स्विच विदाउट डैमेज होना चाहिए, स्विच लॉक प्रेजेंट होना चाहिए। और जो आपका वेल्ड केबल है इस पर कोई कट नहीं होना चाहिए और प्लग टॉप होना चाहिए। जो भी सेफ्टी ऑफिसर इसको चेक कर रहा है उसका नाम, उसका सिग्नेचर और कौन सी तारीख को वो चेक कर रहा है वो मेंशन करेगा और ये सेम चीज मशीन पे भी मेंशन होगा। और ये दोस्तों अपन वीकली चेक करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय सुरक्षा।